सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। Rishto.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ारु छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शनिवार सुबह 11:15 बजे शहाड़ में सेंचुरी रियान फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस टैंकर में विस्फोट हो जाने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए हैं। धमाका इतना भीषण था कि इलाके की इमारतें हिल गई। 4 मृतकों में से 2 का शव ही बरामद नहीं हुआ है। विस्फोटक टैंकर स्थल पर सड़ते मांस की भयानक तस्वीरें थी। सेंचुरी कंपनी के एक प्लांट में गुजरात से नाइट्रोजन गैस का टैंकर आया था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर भरा हुआ था। जब इसकी जांच की जा रही थी तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका ही दहल गया। पुलिस ने शनिवार को 2 लोगों के मौत की पुष्टि की थी और 2 लोगों को लापता बताया था, लेकिन रविवार को पुलिस की ओर से 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं रविवार को ही खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कंपनी का दौरा किया। इस अवसर पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारी एवं कंपनी प्रबंधन विभाग के प्रमुख अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। उपस्थित अधिकारियों को संपूर्ण घटना की शीघ्र जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए थे। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप फूल पगाड़े जी क्या बता रहे हैं। कालच्या सेंचुरी रियान कंपनीच्या स्फोटाच्या घटनेबद्दल तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या संदर्भात भादावी 385, 304, 286, 34 अन्वय गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। प्रथमदर्शनी प्राप्त तक्रारीनुसार कंपनीचं प्रशासन व टँकर चालक मालक यांच्या विरुद्ध आणि इतर लोकांच्या विरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्याने त्या अनुषंगाने तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। टेक्निकल एक्सपर्ट त्या जागेवर येतील, त्या घटनास्थळी पाहणी करतील, तपासा दरम्यान काही सॅम्पल ताब्यात घेतलेले त्याची सगळी पडताळणी होईल आणि त्यानंतर ते एक्झॅक्ट रिझन कळेल नक्की कशामुळे झालं आहे। 4 मृत आणि 6 जखमी असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।